let him pass. कौन सुना मुझे ठीक कहली ना अब सु तम भीतर तो किछ नाही हेले खाली बस के प्रेम अछि अब ना ना भूत जजमा सेमते किछ भी नाही मु तो सत कहू छी आम भीतर सेमते किछ भी नाही तमे भूल भाबो छ अरे मु भी तो देखु छी सैया किछ भी नाही हेले तू काहे इमते चिड़ी जाउ छी कहलु अब देखो बहुत बेकार कथा हो गला एबे आमे जो काम रे आछु से काम आरंभ करबा चलो अच्छा आमे काम को आई छे हेले तमो को देखले त मते लागु छे आमे काम को आसिने आमे बुलीबा को आस छे ओ तमे माने बहुत से कोन कोहती तो हां रोमांटिक हे कि वर्षा रे भिजितला नाही जेजे मा तमे बहुत बदमाश तमे आमो ऊपर में नजर रखतिला सोना सेड़ा रखी दियो गोटे काम करो तुम तो रेस्ट करो मु बाकी जिनस नहीं आस हेला रहा तू कुआडे भी जीवा दरकार नहीं बड़ापा हले बड़ापा से बासन गट्टा थाओ से सब कथा पर देखिबा हले ता पूर्वरु तम दि जन को संगरे मोर कथा अछि कौन है चिकिलो मोते तो आंको हाबो भाबो देखी लागू जी ये माने निहात की छोटे क्यों पुरी बे भूता जी जमा घर लोग जी जहाँ कौन तो पछे किंतु प्लीज तो मैं कह रही हूँ उससे विदा करी बनी प्लीज चौधरी परिवार रो बहु बेपार करी बो हैं तू भी ओधो सांगरे भुआ बिराड़ी बाई हला बढ़िया हो किरे तू सोना सांगरे मिसी की बिजनेस करी बो बड़ा तुम्हें तो निजे ही को कोनो से कम छोट नु सेति में तो हमें हां हां मु कोए ता बोली कोनो तू जहां जेबू से व्यापार करिबू अच्छा ए घर रो मान सम्मान बोली किछ गोटे अछि ना नाही अरे तो बड़ो बापन करे ए खंड मंडल रे केते ना अछि ओ तमे माने हेले मा एटा कैटरिंग नु है एटा अछि होम डिलीवरी बिजनेस ए तू चुप कर तू जा को चावल भजा कोछ ना हमें तक कोछ मुड़ी आ तू जाको कोच दादांग स्त्री आमे ताको कोच खुड़ी दीटा देखो समान कथा ओहो एते जुक्ति तर्क करिया दरकार नहीं मते खाली गोटिए कथा कहतु सोना तमे खाइबा बिजनेस करिया को जाउछ ता पई रोसई करबो तो निश्चय आगे बापा रोसई हबो रोसई के करबो कोठी हबो बापा मु भाबुथिल जे हम घर पछोड़ जो खाली जगह छै सेठी जदु रोसई करनते ताले बहुत भलो होनता हाँ हाँ ठीक कथा सेमती तो से जगह खाली ही पड़ी ताकि यूज के लिए बहुत बढ़िया हो बड़ापा एत बजे आम कि फाइनल करनु बस डिस्कशन करूँ आपण को परमिशन मिलला पर ही आम जाए काम आरंभ करूँ अच्छा परमिशन नब अच्छा 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 तमें माने रोसे करिवो बोली तुमको परमिशन दरकार किंतु बिजनेस करिवा पई परमिशन दरकार पड़लानी नाही ए घरे माने मो घरे से रोसे बेपार मु करै देबिनी तमें माने ए घरे से रोसे बेपार करी पारिबोनी
हेले बड़ सासु मा आमे घर भीतर रोसे करिवुनी आमे घर बाहर रोसे करिवु घर भीतर हो कि बाहर किंतु पाचेरी भीतर एभली बिजनेस हे परिवोनी बड़ापा ताले आमे कोठी रोसे करिवु रोसे करिवार प्रश्न ही उठुनी कहें कि ना आमे माने केही भी चाहुनु कि तमे माने खाइबार बिजनेस आरंभ कर सासमा आपण एमती काही कहउछन जे मते ओडे कथा कहिले बिजनेस करिवार असुविधा कोन बाप रे ए मानक मनरे केते खराब चिंताधारा अछि देखिलो तो सोना तो सासु ससुर माने केमती तो बिषय केते खराब चिंता करछती एमानकु म आगुरु ठीक सबाड करथली मु बुझि परुनी आपण माने काहे के इज्जत करछंती आमे समस्त मिसी गोटे नुआ बिजनेस आरंभ करबा को चाहुचू आ आपण माने विरोध करछंती देखो तो आपण माने बहुत भलो भाबे जानछंती से गहना मोर नुआ आ एटा भी जानिछंती कि से गहना बक्स रे मो छड़ा केई भी हाथ मारी परबेनी केई भी नुहे बड़ापा आपण तो बहुत भलो भाबे जानिथिबे एई सबु मो निजो इच्छा अनुसार करूनी एटा जहार गहना सेई सबु स्थिर करछंती एतरे मो कोन करि परबे जे बड़ापा आपण निजे कहतु आपण बिजनेस लॉस रे चलची अभिभावक पाखे चाकरी ना ये घर के चल जे हाँ ठीक अच्छे मुझे करी बिजनेस करम करें जहा कहे से हम था सोना एम को भलरे भलरे कहवा दरकार नहीं शुणु एम गाल दि चार चापुड़ा कसीदे ना मत कह मु गाल को गाल सेकदेवी धरिके आग तो शाशु ठार आरंभ कर भाया लोक मुझे देखनी जो लोक घर पर चिंता करम करवाक चाहिए रोजगार कर घर चलवा चाहिए आपत कहते बिना कारण तू चुप कर तु ये घर चाकर मालिक हाँ चेष्टा करना ना गला धक्का दे ते घर बाहर कर देबी सबू कथार टोका खंड को मुंड पुरा घर आमर ए परिवार आमर आम परिवार केमी चल से कथा आम बुझे तोर तो मुंड खेल दरकार ना अच्छा कौन कहलु कौन कहलु ए घर तोर मु थाउ थाउ ए घर को तो तोर बोली कहबू हाँ रे ठीक अच्छे ताले तुम मैंने कह ए घर को चलिया तुम मैंने कौन सब प्लान कर आम भी तो एटलिस्ट शुणु कौन प्लान कर तुम मैंने से व्यवस्था भी हो जाए आज आम पुराणा स्टोर रूम देखिक आसटी बहुत सारा जिनस अच्छी से सब आंटिक आउ कॉस्टली हेले हेले प्लान कौन कर फर्णिचर बिजनेस करबो ना ताको भड़ा दबो नाई भाई चिंता कर माने मु कौन कहली कि आम से फर्णिचर सब बिक्री करदेव कौन कहलु कौन कहलू तो पोड़ा मुहा शाल सगुआन शिशु एमती दामिकिया काठ से फर्णिचर गुड़ाक तैयारी जोटा कि आजिका डेट तो बहुत रेट हे ता छा पांचटा बेड भी अच्छे चेयर टेबुल आलना एमती बहुत किसी अच्छे पेंटिंग भी सब अच्छी हाँ हाँ से सब कुछ बिक्री कले के लाभ हम तार तो मुझे गोटे हिसाब किताब करने को पड़ो ना कौन भाई हाँ ठीक कथा कहलु हाँ मो भी हिसाब करके देखु थी आम पाखे जी जिनस अच्छी आम जदि से सब कुछ बिक्री करवा आराम से छः सात मास चल जा तारी भीतरे
तुम बापा मैंने तो बिजनेस को संभाल देते ना किंतु हाँ तुम मान कूड़ांगार भरोसा ए घर चली पार नहीं हेटी तुम मान भितर कहीं जदि जड़े भी से काठ जिनस को छुईवाक चेष्टा करा ताहले मु तुम जण जण कर बेकटा को मोड़ी देवी भूत जेजेमा तुम्हें कड़े गल प्लीज भूत जेजेमा तुम्हें रागरे किसी भी एपट सेपट करनी कहीं जहा भी हो ए परिवार मोर आम समस्ते तुम निजर चेष्टा करो जिन मो बापा मा मो तैयारी आउ याकु जे बिक्री करबा को चेष्टा करबो मु गोटा गोटा कहि त बेको मोड़ी देबी भूत जेजेमा जदी तमे राग रे किछ बेपट से बड करबो ना तले माने मु बिजनेस बंद कर देबे तो बुझनो काहे के सोना से माने ए सब जिंस को बिक्री कर देबा को बस छदी ए सब काठो जिंस नुहे सोना ए सब होची मो बापा मां को स्मृति ए चेयर टेबल खट ए सब को आज भी देखि देले ओते से मन को कथा मन पड़ी जाए ए सब खाली काठ जिनस नुए ए जिनस सब मो पिला भले चारिचु सोना मु ए मन को ना भी देई छी जण को ना धन बणी आ जण को ना गुण बणी मु मरि गला परे ए माने एठी अनाथ भली पड़ी रही चंदी हेले हेले घर भीतर त अछंदी एबे जदि ताकु बिक्री कर दिया जाए ताले मु जमा भी सहिबिनि जमा भी नुह तू केमिति भी करी ए अनर्थ को अटके दे सोना मो जिनस पत्र सब को बंचाई दे भूत जेजे माई फर्नीचर को एत्ते भल पांती से आम पाई एत्ते किछि करिसंती आ एबे से मुह खोली मते गुट्टे जिनस मागुचंती तांको कथा मु जेमिति हेले रखिबे भूत जेजेमा मु तमो कथा दोची तमो जिनस पत्र कुआडे भी जीवनी तमरी पाखरे रहिबो भाउजो बड़ बापा मझे बापा बापा तीन जन मु चा नहीं पीबे कहीं गोटे रख दीटा नहीं जाओ बड़ बापा बड़ माँ रूम रे चा पीबे आमको डाक मत डाकि कौन भाज कि उद्देश्य थी ना से डाकुटे आम बिजनेस प्लान तो गड़बड़ करदे एबे जाकी देख आउ कौन नुआ प्लान कर मत तो लगे एम मस्ति भ्रम हो तुम भूत जेजी मैं कहना क्या मुंड को धरिक झिंकी देवे मुंड सब जो एपट सपट हो ठीक जगह को पड़े आस देख माघ भाई मत लगुच बड़ बापा एवं जाकि बिजनेस प्लान विषय बुझीपारे से आमको परमिशन देवाई डाकु थे गोटे कम कर देखिया से को कहीं डाक भाज तुम्हें भारी सरलिया एम छंद कबड़ तुम्हें बुझी पा नले मुझे हाड़े हाड़े जाणी से बुढ़ा बुढ़ी निश्चय कि उद्देश्य रखी तुमको डाक मुझे फाइनाल भावी तो यहाँ मो बापा समय जिनस पड़ी पड़ी नष्ट न हो सही केवल देदे चाहूँगी ना नहीं मो कथा शुण की आपड़ कहीं ने आपड़ निजे आसतु देखु भलसे परीक्षिक निपण दिने दिन संपर्क नहीं ना
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିରାଶ ହେବେନି ଜମା। ଠିକ ଅଛି, ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ବେପାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ୁଛ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦାମ କମ୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ଆରେ ନା ନା ନା, ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସେମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଦାମ କମ୍ କରିବା କଥା କେବେ ବି କହିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମର, କାହିଁକି ନା କାଲି ସକାଳେ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଆମର ଜଣେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇଯିବେ ନା, ତାପରେ ଆମର ତ ଲାଭ ପରେ ଲାଭ ହବ ନା। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, ସେ ସୋନାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏ ଝିଅ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳୁ ଡାକିଲିଣି, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ବଡ଼ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ? ହଁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି, ଚାକୁ ସେଠି ରଖିଦେ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ବାପା, କୁହନ୍ତୁ। ସୋନା, କାଲି ସେ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି, ତୁ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ପଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କାଲି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ ନ କରୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଆରେ ତାକୁ ବୁଝଉଛ କ'ଣ? ମ ମୁଁ ତ କହୁଛି କାଲି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏ ଝିଅ ସେଠିକି ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆରେ ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ବୋହୂ, ସିଏ ସେଠିକି ଯିବନି କେମିତି? ହଁ, ସେଠିକି ଯିବ ହେଲେ ସିଏ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ହେଲେ ବଡ଼ବାପା, ସେସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତ ନା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ବାପା, ମୁଁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିବି, ଜମା ବି ପାଟି ଖୋଲିବିନି। ହେଲେ ବଡ଼ବାପା, କାଲି ହେଉଛି ହୋଲି, ଆଉ କାଲିକା ଦିନରେ ଘରୁ ଏମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବା କ'ଣ? ହଁ, ଦିଆହବ, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାତିରେ ଦେଇଦେବା, ସକାଳେ ଯେମିତି ହୋଲି ମନେଇବା କଥା ମନେଇବା। ଯାହା ହଉ, ହୋଲି ମନା ହବ, ତାମାନେ ଏଇ ମୌକାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଇଡିଆଟା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ହଁ, ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା, ଏଥରକ ହୋଲିରେ ତୁ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରାମା କରିବୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ତୋ ପଟକୁ କରିନେଇ ପାରିବୁ। ହଁ, ମନେ ରଖ, କାଲି ସେମିତି କିଛି ବି ହବାର ନାହିଁ। ସୋନା, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ହୋଲି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଘରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟି ଯାଇଛି, ହେଲେ ହୋଲି ଯେମିତି ପାଳନ ହବା କଥା ସେମିତି ହବ। ଆଚ୍ଛା ସୋନା, କାଲି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବୁ। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ତୋ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ତୋ ପଟିଆ ହେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିନି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ସୋନା, କାଲି ହୋଲିରେ ଯଦି ତୁ କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁନା, ତାହେଲେ ଇଏ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ମନେ ରଖିବ। ନାଇଁ ବଡ଼ ଶଶୁମା, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲିର ହୋଲି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଭଲ ହବା ବି ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦିଦେବା? ହଁ, ଆରେ କାଲି ଆମ ଘରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ। ଓହୋ କଲ୍ୟାଣୀ, ସବୁବେଳେ ସୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ସିଏ ବି ତ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କାମ କରେ ନା, ସେ କଥା ବି ଟିକେ ଦେଖ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବନି, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେଇଆ ହିଁ ହବ।
ଶୁଣ, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ଚା। ଏ ହୋଲି ହିଁ ହବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଏ ସୁନାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ତା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ତା ଉପରୁ ଉଠିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ତ ଇଏ ନିଜେ ସୁନାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ମୌକାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସୁନା, ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ବଡ଼ ବାବୁ ବଡ଼ ମା କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ? ସେ ଆମ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ରାଜି ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ନା କିଛି କେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।